Hi everyone, I am Rana Bilal from websitesmasters.com. Today we will discuss about what is the difference between website, forum and blog. Kya farak hai website mein, forum mein aur blog mein. So let's start now. Websites refer to a business or non-profit purpose sites. Websites जो होती हैं वो business purpose के लिए भी use होती हैं और non-profit organizations भी जो हैं वो भी अपनी websites जो हैं वो बनाती हैं और खुद को introduce करवाती हैं. Purpose क्या होता है website बनाने का? Purpose होता है या तो आप उसमें product sell करते हैं, ठीक है? या जो है आप services provide कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताते हैं. या जस्ट जो है आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जस्ट लाइक एनजीओज हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही होती, कोई सर्विसेज नहीं सेल कर रही होती, वो जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि वो कैसे हेल्प कर रहे हैं लोगों की. या नहीं तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखते हैं, उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है? और कुछ बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं वो कंसल्टेंसी की होती हैं, वो अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर रही होती. तो जो वेबसाइट है उसका पर्पस जो है, ठीक है, रेफर टू अ बिजनेस आर नॉन प्रॉफिट साइट्स. तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं. ये क्यू मोबाइल की वेबसाइट है जिसमें वो अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं. और अगर हम जो है किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं तो रिगार्डिंग उसके जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस फोन की प्राइस कितनी है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं. तो ये उसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है और आप यहाँ से इसे बाय भी कर सकते हैं, ठीक है? वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं और साथ में उसे सेल भी कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही, कोई आपको नहीं बताएगा कि ये मोबाइल अच्छा है या नहीं है, इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं या इसके क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं जो दूसरे फोन्स में नहीं है. आपको जस्ट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जस्ट उसकी स्पेसिफिकेशंस ही बताई जाएंगी. आप इसमें जो है कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, किससे कोई सलाह कोई मशवरा नहीं ले सकते, जस्ट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या डिजाइन्स हैं और क्या क्या चीजें हैं. तो वेबसाइट जो है बेसिकली, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वगैरह के लिए बनाई जाती है, उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है यूजर्स के लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोरम्स. फोरम्स क्या है? फोरम्स आर लाइक सोशल मिक्सर्स where everyone is at equal level, milling about and discussing with others. तो forums जो है, ठीक है, वहां पे सब users को equal right होता है, equal, और वो जो है आपस में एक दूसरे के साथ discussion कर सकते हैं. इसकी हम एक example देखते हैं. Now I will show you the forum. How it looks like, मैं आपको फोरम अभी दिखाऊंगा. फोरम किस तरह से नजर आता है, किस तरह का लगता है. सपोज मैं इस लिंक को खोल लेता हूँ, न्यू टैब में मैंने इसे ओपन किया. यहाँ पे आपको डिस्कशन नजर आएगी, ठीक है? ये जो है कोई भी एक जो है, ठीक है, मेंबर, कोई भी एक मेंबर जो है कोई भी क्वेश्चन को रेज करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है डिफरेंट लोग जो हैं, ठीक है, वो उसके बारे में सजेशंस देते हैं, उसके बारे में आंसर्स करते हैं कि इसके अंदर ये फीचर्स हैं. ये सपोज ये क्यों मोबाइल से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन रेज हुआ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अ स्मार्टफोन बट माय बजट इज प्रीटी टाइट एट अराउंड 15,000. ओके, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि जी मेरा बजट लो है, उसके अंदर मैं ये मुझे सजेस्ट करें कि आप किस तरह का फोन लूँ, तो सैमसंग लूँ या कोई और नोकिया लूँ या किस तरह का लूँ. तो उन्होंने सजेस्ट किया कुछ नहीं कि जी आप क्यों मोबाइल ले लें. कुछ लोग कहते हैं कि जी क्यों मोबाइल से अच्छा आप कोई दूसरा ले लें. तो इस तरह से जो है वो काफ़ी लोगों की अपनी अपनी सजेशंस हैं. तो आप जो है
फोरम यूज कर सकते हैं। जब भी आपने कोई चीज बाय करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जो है फोरम पे जाके उसकी डिस्कशन देखे, डिफरेंट फोरम्स पे जाके उसके रिव्यूज देखे, ठीक है। उसके खुद से जो है मेंबर बन के कोई एक क्वेश्चन रेज करें, ताकि जो है जब भी आपने कोई चीज जो है वो लेनी है उसकी जो फीचर्स होंगे वो भी आपको पता चले, ठीक है, और जो जो उसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको पता लग जाए। तो फोरम बेसिकली किस लिए यूज होता है? डिस्कशन के लिए। जस्ट आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन एंड आंसर की वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक जो है वो क्वेश्चन रेज करता है और बाकी लोग जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं या जिनका एक्सपीरियंस होता है वो अपना नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं इन शेप ऑफ आंसर्स। तो फोरम जो है वो एक क्वेश्चन एंड आंसर की जो है वो वेबसाइट की फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है उस तरह से प्रोवाइड नहीं की गई जिस तरह से हमने देखा था कि पहले क्यू मोबाइल की वेबसाइट पे जो है उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही थी और वो सारी चीजें, ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको डिस्कशन मिलती है जस्ट, कि जो है डिस्कशन में आप जो है पता कर सकते हैं कि वो जो मोबाइल लेना चाह रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, सर्विसेज आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इतनी वर्थ रखती हैं जितना आप स्पेंड करने लगे हैं, क्या वो इतनी फ्रूटफुल है, क्या वो जो है इस काबिल है कि आप इतना स्पेंड करें उसके लिए। तो उसके लिए जो है हम फोरम यूज करते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। तो डिस्कशन के लिए फोरम यूज होता है। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स आल्सो कॉल्ड वेब ब्लॉग, ब्लॉग को वेब ब्लॉग भी कहते हैं। ब्लॉग्स आर लाइक अ कीनोट स्पीच वेयर द स्पीकर और ब्लॉगर इज इन कंट्रोल ऑफ द डिस्कशन। ब्लॉगर जो होता है वो कीनोट स्पीच होती है, वो किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो अपनी जो उसकी अपनी राय होती है वो उसके बारे में देता है। बट अलाउज क्वेश्चंस एंड कमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस, और ऑडियंस को भी अलाउ करता है कि वो उसके नीचे जो है क्वेश्चंस कर सकें और कमेंट्स कर सकें, ताकि जो है आपस में इंटीग्रेशन जो है वो बनी रहे, कम्युनिकेशन जो है वो बनी रहे। तो अभी हम देखते हैं ब्लॉग्स की जो है किसी एक ब्लॉग की एग्जांपल देखते हैं, ब्लॉग किस तरह का होता है। सो हेयर इज अ ब्लॉग वेयर अ ब्लॉगर इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्यू मोबाइल नॉयर Z12। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ब्लॉगर है, ठीक है, उसने जो है ब्लॉग बनाया हुआ है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग क्यू मोबाइल के इस मॉडल के। तो उसने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेजिंग नॉयर स्मार्टफोन यूजर फॉर बैटरी बेटर मोबिलिटी एंड इनहांस शार्पनेस फॉर इट्स यूजर्स इन पाकिस्तान। तो उसने जो है उसके बारे में जो उसे लगता है, ठीक है, जो ब्लॉगर है उसे लगता है जो जो फीचर्स नए आए या जो जो उसे एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में, तो उसने वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद मजीद उसने जो है डिटेल स्पेसिफिकेशंस भी उसके बारे में बताई हैं। तो ये सारी क्या चीज है? वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो ब्लॉगर है वो अपने ब्लॉग पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज सीम्स लाइक एवरी सेकंड पर्सन हैड सेम इश्यूज विद द स्क्रीन आवर डिस्प्ले ऑफ दिस मॉडल आई माई सेल्फ इंक्लूडेड एंड देयर वॉज नो पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, डिस्कशन भी कर रहे हैं। Z12 इज वेरी गुड सेट बट द सर्विस ऑफ द क्यू मोबाइल सर्विस सेंटर इज ऑलवेज वेरी पुअर, सो इट्स नॉट गुड टू लिसन एंड इट्स नॉट गुड टू रीड लाइक दिस। सो तो जो मोबाइल ओ सॉरी तो जो ब्लॉग होता है, ठीक है, तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, पर ये जस्ट ब्लॉगर के रिव्यूज होते हैं, ठीक है, जो ब्लॉगर जो इसका ऑनर होता है उसके रिव्यूज होते हैं कि वो जो है वो क्या बताना चाह रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है जो है इस मोबाइल के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में या इस सर्विस के बारे में। और साथ ही लोगों को जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी अलाउ होता है कि वो जो है डिस्कशन करें और कमेंट्स करें
और इसमें जो ब्लॉगर होता है, जो ऑनर होता है इसका ब्लॉग का, वो भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। वो भी लोगों को जो है वो बताता है कि ऐसा नहीं है और ऐसा है, ठीक है, तो वो भी हेल्प करता है। तो हमने तीनों चीजें देखी जी। वेबसाइट क्या थी? वेबसाइट पे जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको नहीं पता चलेगा कि जो है ये चीज अच्छी है या नहीं है, ये जस्ट आप रीड आउट करेंगे इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है और किस किस तरह से है, ठीक है। जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और बेसिक पर्पस जो होता है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना अपनी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना या प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसलिए जो है वेबसाइट बनाई जाती है। नेक्स्ट हमने देखा जी फोरम। फोरम में क्या होता है जी? जस्ट डिस्कशन होती है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं बस, ठीक है। तो फोरम जो यूज होते हैं वो डिस्कशन के लिए यूज होते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही, यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन रेज होता है और उसके अगेंस्ट जो है वो आंसर्स जो है वो लोग देते हैं, रिप्लाई करते हैं। और थर्ड हमने देखा जी ब्लॉग। ब्लॉग में क्या है कि जो ब्लॉगर होता है वो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके बारे में, और उसके साथ साथ डिस्कशन भी होती है। मीन्स कि ये मर्जर ही होता है वेबसाइट का और फोरम का। तो इसे हम मजीद आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसे मजीद देखेंगे आगे कि हमें जो है इसकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी और जो है हमें ब्लॉग जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वो क्या चीजें होती हैं और ब्लॉग किस तरह से बनेगा और वेबसाइट किस तरह से बने। सो सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।